सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े एक मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने साथ ही उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य अभियुक्तों अब्दुल बासित, जायद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत की अर्जी भी ठुकरा दी। रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा है कि अब वो सोमवार को बंबई हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि स्पेशल कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलते ही वे अगली कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। इन सभी लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार शुक्रवार को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान NCB ने जमानत दिए जाने का ये कहते हुए विरोध किया कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य हैं और अगर उन्हें छोड़ा गया तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।